सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज रयान पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रूम के अपडेट के साथ, जो कि जेफरस ओएस का एकदम लेटेस्ट बिल्ड है हमारे रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के लिए। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल हम लोग चलेंगे फोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे एंड्रॉइड 13 देखने मिल जाता है। इसके अलावा नवंबर का सिक्योरिटी पैच है, जेफरस ओएस का हम लोग को बिल्ड देखने को मिल जाता है जो कि 13.1.5 देखने को मिलता है। इसके अलावा वेंटअप का हम लोग को बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है जो कि आप स्ट्रीम 299 के ऊपर बेस है। इसके अलावा अगर हम लोग आते हैं होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हम लोग को जो लॉन्चर देखने को मिलता है, ऐसा विजेट्स नहीं लॉन्चर, ओके, ये हम लोग को पिक्सल लॉन्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती है, तो उम्मीद भी मत रखिएगा। यहीं पर अगर वॉलपेपर्स की बात की जाए, तो यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर्स आपको थोड़े बहुत ही देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक ठाक हैं, बाकी तो सब डिफॉल्ट पिक्सल वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे इसके टाइल्स की बात करें, तो टाइल्स में हम लोग को 60x120 वही सारी टिपिकल चीज़ें देखने को मिलती है। इनका मैं डीसी डिमिंग ऑन कर देता हूँ, तो थोड़ा हम लोग को शटरिंग देखना कम हो जाए। आते हैं इसके सेटिंग पे, तो सेटिंग में हम लोग को वही टिपिकल लेआउट देखने को मिलता है जैसे कि हम लोग को एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13 में देखने को मिलता है। नेटवर्क इंटरनेट सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग है। वीडियो कॉल मेरे केस में मैंने चेक नहीं किया, तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आपके में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। वो वाईफाई कॉलिंग सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग है। गेम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको गेम मोड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप उसके अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर बैटरी की बात की जाए, तो बैटरी के लिए मैं पहले आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। आइडल मैनेजर देखने को मिलता है, बैटरी परसेंटेज है, बैटरी स्टाइल है, बैटरी मैनेजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और बस वही फलाना ढिंका चीज़ें जो भी हैं एसपी की, टिपिकली वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए, तो अभी भी मेरी 19% बाकी थी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तब भी मुझे 6.5 आवर के आसपास का हम लोग को बैटरी बैकअप देखने को मिला है। क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह करने में लगी, ठीक है, 6 आवर 40 मिनट का मुझे यहाँ पे SOT देखने को मिला था। मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि 7 आवर का तो SOT मुझे इजिली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से। यहाँ पर अगर हम लोग वापस आए डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले पे हम लोग को जो देखने को मिलता है वही टिपिकल सारी चीज़ें हैं। कलर मोड हम लोग को देखने को मिल जाता है, अपने हिसाब से उसको बैलेंस कर सकते हो जैसे भी हैं। इसके बाद अगर हम लोग आए यहाँ पे, इसके आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, फॉन्ट है, आइकन पैक है, सिग्नल है, वाईफाई के आइकन्स है, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा रिफ्रेश रेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आप चाहो। और डबल टैप टू वेक है, डबल टैप को फ़ोन चेक है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक बार डबल टैप से लॉक करते हैं, डबल टैप से वेक करते हैं। ओके, चेक करने का आ गया भाई साहब, तगड़ा, ओ माय गॉड, सही काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर हम लोग आए इसके सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी पे हम लोग को फिंगरप्रिंट एकदम परफेक्टली वर्किंग है। इसके अलावा फेस अनलॉक भी एकदम सही से काम कर रहा है, डिवाइस हम लोग को इंक्रिप्टेड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग सिस्टम पे आए, तो सिस्टम में हम लोग को सिस्टम अपडेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेंटेनर अननोन दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग को पता है। मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी क्रेडिट दे ही देता हूँ जो लोग ने डेवलप की है इस रोम को। यहाँ पे हम लोग को थर्मल प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आते हैं होम स्क्रीन पे वापस से, तो यहाँ पे हम लोग बात करें इसके डिफॉल्ट कैमरे की, तो डिफॉल्ट कैमरा हम लोग को एक सिंपल सा बेसिक सा कैमरा देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ओके, तो इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं इसके मेन उस पे, तो एंटूटू बेंचमार्क का जो हम लोग को रिजल्ट देखने को मिला है, वो 366,701 है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर मुझे लगा है इस रोम में। यहाँ पे हम लोग का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, वो 4.6 सेल्सियस से लेके 35.4 सेल्सियस तक की मैक्स दिया हुआ, जो कि 30.8 से 3% बैटरी ड्रेन है, जो कि बैटरी ड्रेन नॉर्मल है मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। इसके अलावा स्टोरेज टेस्ट की बात की जाए, 227,226 है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद अगर हम लोग गीगवेंच की बात करें, तो गीगवेंच का स्कोर जो हम लोग को देखने को मिला था, वो है सिंगल में 543 है, मल्टी में हम लोग को 1585 देखने को मिल गया है। इसके अलावा अगर हम लोग एमएल टेस्ट की बात करें, तो एमएल टेस्ट का स्कोर हम लोग को देखने को मिला है, जो कि सीपीयू का है, वो 216 है। इसके अलावा जीपीयू का स्कोर हम लोग को 602 देखने को मिला है। सीपीयू टोटल की बात की जाए, तो यहाँ पे हम लोग को जो मैक्सिमम GIPS जो देखने को मिला है, वो 1,88,900 मतलब 1,89,000 ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है।
इसके अलावा अगर एवरेज की बात की जाए तो 173,000 के आसपास है, 85% हम लोग को मैक्स आउट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिली है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें सेफ्टी नेट की तो ASP रोम है, कस्टम रोम है, पोर्ट नहीं है, तो सेफ्टी नेट पास ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम लोग DRI इन्फो की बात करें तो DRI इन्फो हम लोग को वाइड वाइन L160/120 वही सारी चीज़ है, पबजी में हम लोग को स्मूथ और 90 FPS इनेबल देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा 732G की इतनी मतलब इतने ही ताकत नहीं है कि आप उसको मतलब स्मूथ और 90 FPS पे आप चला सको, तो स्मूथ और स्ट्रीम पे ही आप पबजी का गेम प्ले कीजिएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको वहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अलावा और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई, तो कंक्लूजन वाली बात करें तो मैं आपको जेन्युइनली चीज़ बताऊँ, मैं इस रोम को एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज़ कर रहा था और लगभग मुझे 2 से 2.5 घंटे मतलब 2 से 2.5 दिन हो चुके हैं इस रोम को यूज़ करते हुए, तो मुझे किसी तरीके का सेटर और किसी तरीके का लैग मुझे यहाँ पे नहीं देखने मिला है। रोम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है, आप किसी भी तरीके का हैवी टास्क भी करोगे तो भी इतना ज़्यादा आपका डिवाइस वार्म नहीं होता है, मीन्स इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। मुझे पर्सनल यूज़ में काफ़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे देखने में मिली है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप कर्नल अपडेट कर सकते हो, और अगर बाय चांस से अगर आपको कर्नल की सीरीज की मतलब आपको वीडियोस चाहिए हो कि कौन कौन सी कर्नल आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो या पर्टिकुलर जो बिल्ड होते हैं उन सारी चीज़ों के लिए, तो एक बार आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि भाई हाँ आप मतलब कर्नल के लिए ऊपर भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा भाई, बस 1000 सब्सक्राइबर्स एक बार पूरे करवा दीजिए, बाकी तो सब भगवान। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट और पबजी का गेम प्ले एक बार चेक कर लीजिए।